Shabistan Ghaffar, and all the participants in this seminar. A very good morning to all of you. Salam alaikum. Observer Research Foundation ki taraf se aap sabko swagat karte hue mujhe bahut khushi ho rahi hai. मैं सबसे पहले डॉक्टर शबिस्तान गफ़ार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आज का यह सेमिनार केवल दो बहनों के कारण हुआ है. एक डॉक्टर शबिस्तान गफ़ार और दूसरी मेरी साथी अपर्णा शिव कुमार. कई महीनों से इन्होंने इस सेमिनार की तैयारी में लगे हुए थे और हम डॉक्टर शबिस्तान गफ़ार जी को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आपके सामने जो एक रिपोर्ट है फ्रॉम सेक्लूजन एंड एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन इंडियन मुस्लिम वुमेन एंड देयर इनिशिएटिव्स, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी 2012 में, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टर शबिस्तान गफ़ार चीफ गेस्ट थी. उनका मार्गदर्शन मिला, गाइडेंस मिला, और तब से डॉक्टर गफ़ार जी के साथ और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है नई दिल्ली में, इनके साथ हमारा रिश्ता बना हुआ है. और एक विचार आया कि हम मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन के बारे में एक फोकस सेमिनार करें और इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाएं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो और उससे हम सीखें. तो इसके फलस्वरूप आज का यह सेमिनार सफल हुआ है. मैं विशेष रूप से इस सेमिनार में शरीक होने के लिए जो बम्बई के बाहर से आए हैं, जैसे कि अबिदा इनामदार जी हैं और भी लोग हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं, और शायद और भी कुछ लोग आने वाले हैं. और आपका अनुभव, आपका ज्ञान, योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज इस सेमिनार को सफल बनाने में बहुत उपयुक्त होगा. कुछ समय के बाद हमारे बीच भाई फिरोज अशरफ आएंगे, उनकी पत्नी अरिफा जी भी आएंगी. इस सेमिनार की कल्पना काफ़ी हद तक फिरोज अशरफ, अरिफा जी जो काम कर रही हैं उस काम से भी यह कल्पना हमें मिली और यह प्रेरणा हमें मिली. वैसे तो जो समस्या है, समस्या के बारे में बोलने वाले, भाषण देने वाले, लिखने वाले बहुत होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ कर दिखाने वाले कम होते हैं. ऐसे कर दिखाने वाले आप सब हैं और उनमें फिरोज अशरफ भाई हैं. मैं फिरोज अशरफ भाई को बहुत वर्षों से जानता हूं और जोगेश्वरी में उन्होंने जो एक काम शुरू किया है, जो जोगेश्वरी और जुहू के झोपड़पट्टी में वहाँ के गरीब बच्चियों के जीवन में, ज़िंदगी में एजुकेशन की रोशनी डालने वाले फिरोज अशरफ भाई, जब से मैंने उनका काम देखा और हमारे साथियों ने देखा तो हमें लगा कि वी मस्ट सेलिब्रेट दिस वर्क.
और इसलिए आज के इस सेमिनार का एक हाईलाइट है, एक महत्वपूर्ण अंग है कि हमने फिरोज़ अशरफ और अरिफा जी, उनके द्वारा जो स्कूल चल रहा है इट्स कॉल्ड अंकल्स क्लासेस, उसके बारे में हमने एक पुस्तक लिखी हुई है। अपर्णा शिव कुमार और डॉक्टर सुमेध दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक एक फिल्म बनी हुई है मज़र कामरान द्वारा। इन दोनों का, फिल्म का और पुस्तक का विमोचन आज होने वाला है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये जो हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, ये केवल सरकार की वजह से ये काम सफल नहीं होने वाला है। सरकार के साथ साथ कम्युनिटी, और जब मैं कम्युनिटी की बात करता हूँ, केवल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम समाज मिलकर मुस्लिम महिलाओं में, मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करने का काम ये हम सबका है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस सेमिनार में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। शास्त्री जी हैं, श्रीमती शेलके जी हैं, और दोपहर के सत्र में श्रीमती अश्विनी भिड़े जो महाराष्ट्र सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं वो भी आने वाली है। तो इस तरह से आज का यह सेमिनार जो है, इट्स अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार, द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द एजुकेशनिस्ट हु हैव गैदर्ड हियर। मित्रों, हमारे सामने जो समस्या है, जो चैलेंज है, वो बहुत ही बड़ा है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस डेटा अवेलेबल, द लिटरेसी रेट अमंगस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया वॉज 59.1%। द नेशनल एवरेज इज 64.8%। यानी नेशनल एवरेज से मुस्लिम समाज में लिटरेसी का लेवल कम है। इवन विद इन द कम्युनिटी द लिटरेसी रेट अमंगस्ट मुस्लिम विमेन इज 50.1%, वेर एज लिटरेसी अमंग मुस्लिम मेन इज 67.6%। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नियरली 17 or 18 percentage points। Not just this, we find that only 11 of 100 Muslims in India take up higher education, whereas amongst Hindus it is 20%, among Christians it is 31%. So if we look at the religion-based communities, those who go for higher education is lowest amongst Muslims, only 11%. But even amongst Muslims, it is much lower for Muslim women. मैं अभी अभी सेमिनार शुरू होने से पहले प्रिंसिपल मुमताज खोजा जी से बात कर रहा था। ये सांता क्रूज में एक उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनके स्कूल के बिल्कुल नज़दीक एक जूनियर कॉलेज है। वो बता रही थी कि लड़कियां 10वीं तक तो उनके माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि अब 10वीं के बाद जूनियर कॉलेज भेजिए, तो भेजते नहीं। अब बस, तो ये जो
एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट के कारण मुस्लिम महिलाओं में और भी समाज के अन्य हिंदुओं में भी यह है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से वंचित करने का, उन्हें डिप्राइव्ड रखने का जो एक सिलसिला है वो मुस्लिम समाज में ज़्यादा दिखता है. सो वी फाइंड अ डबल एक्सक्लूजन, अ डबल डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज मुस्लिम वेमेन आर कंसर्न. एज इट इज, एज सचर कमिटी शोड, मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल इज रिलेटिवली फार बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड देयरफॉर इन एम्प्लॉयमेंट, इन इकोनॉमिक स्टेटस. But Muslim women are even more backward. So there is double exclusion, double discrimination, for which both the government is responsible and the community is responsible. So therefore, it is the responsibility of the government and the community as a whole to ensure that there are equal opportunities for Muslim women, Muslim girls. Because when girls get educated, I mean, this is not our teaching. It's the teaching of Prophet Muhammad, that if you have to educate a boy or a girl, then first educate the girl. This is the teaching of Paigambar. Because if a girl gets educated, the family gets educated, the family gets enlightened. If the family gets enlightened, the community gets enlightened, the nation advances, progresses, and the entire humanity benefits. So therefore, we must follow what is there in our religions, and we must also follow what is there in our constitution, because the constitution grants equal rights for all communities, and the constitution grants equal rights for men and women. तो यह काम एक बहुत बड़ा काम है. इस काम को हमें एक मिशन के रूप में हमें लेना चाहिए. छोटे काम हो, बड़े काम हो, इनमें जो अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से हमें सीखना चाहिए. एंड वी शुड एनेबल मुस्लिम गर्ल्स, स्पेशली पुअर मुस्लिम गर्ल्स हु आर वेरी टैलेंटेड, हु आर वेरी ब्राइट, to get the benefit of education and move ahead in life. मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि, और ये मैं बात फिरोज अशरफ जी के सामने कहना चाहता था, लेकिन वो शायद अभी रास्ते पर है. When I saw the work of फिरोज अशरफ teaching these poor Muslim girls from the slums in Jogeshwari, slums in Juhu, and bringing light into their lives in the most difficult conditions, facing impossible odds, to laga ki this is true national service and this is true service of humanity. The transformation that has come about in the lives of these first generation learners is amazing. Mostly Muslim girls, but also some Hindu girls. Mostly girls, but also some boys. So we need to really celebrate these initiatives. And I'm sure that there are many, many more initiatives like these in Mumbai, in Maharashtra, and in India as a whole. तो इसलिए हमने सोचा कि आज के इस सेमिनार के द्वारा हम सब एकत्र आए और इस विषय के बारे में चर्चा करें, बहस करें, एक दूसरे से सीखें. और मुझे बहुत खुशी हो रही है मित्रों कि इस सेमिनार को गाइड करने के लिए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर शबिस्तान गफार आई है. मैं इनसे दिल्ली में भी मिल चुका हूँ, इनके ऑफिस गया था मैं. एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय द काइंड ऑफ वर्क दैट शी इज़ डूइंग एंड हर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग.
नॉर्मली जो सरकार की ये जो कमिटीज और कमीशंस होते हैं, यहाँ ये सरकारी ढंग से ही काम चलता है, यानी सरकारी ढंग से, यानी नो मोटिवेशन, नो अकाउंटेबिलिटी. आई एम नॉट कास्टिंग एज पर्सन ऑन पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट, बट उसके लिए जो एक डायनेमिज्म चाहिए, जो एक कंसर्न चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो बहुत सारे सरकारी कमिटीज, कमीशंस, डिपार्टमेंट में नहीं होती है. लेकिन मैंने इनका जो काम देखा, यू नो, शी इज ऑल द टाइम ऑन द मूव अराउंड द कंट्री, कलकत्ता हो, रायपुर हो, चेन्नई हो, कश्मीर हो, और स्पेशली पुअर मुस्लिम गर्ल्स, उनके एजुकेशन के बारे में जो कमीशन के द्वारा जो काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है. और इसी प्रकार का काम मित्रों महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा चल रहा है. और पिछले एक दो सालों में महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक बहुत ही अच्छा एक संबंध, एक रिलेशनशिप बढ़ा है. अपर्णा कह रही थी कि हमने एक चेंज एजेंट्स फॉर स्कूल एजुकेशन एंड रिसर्च, कासर नाम की एक प्लेटफॉर्म बनाई है. और हमें बहुत खुशी है कि हम तो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार से एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमारा उत्साह, हमारा उमंग और बढ़ जाता है. और यही हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से महसूस किया है. सो दिस इज़ व्हाट वी शुड बिल्ड ऑन, अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड थिंक टैंक्स लाइक अस. सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रेंड्स दैट वी हैव कम टुगेदर फॉर दिस सेमिनार. लेट्स मेक दिस सेमिनार अ सक्सेस. एंड एट द एंड ऑफ दिस सेमिनार we are going to prepare a very good report. We should prepare a very good report and submit this to the central government, to the state government, and make sure that it becomes a very important contribution to our collective effort to ensure that not a single Muslim girl, or any girl for that matter, in India is deprived of opportunities for education. Thank you very much.